Hello students, aaj hum seekhenge science chapter number 4, disaster management ke question and answer. Channel par naye ho to jaldi se subscribe karo aur pass wali bell icon ko click karo. Playlist ki link, upper right side ke corner mein, ya is video ke description mein hai. So let's start. What are the emergency contact numbers of the following? Police control room 100, fire brigade 101, ambulance 102, national level single emergency number for disaster relief 108. What first aid will you provide in the following situations? Dog bite. Answer: first aid kisi victim ya patient ko मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध होने से पहले दी जाने वाली कुछ तत्काल सहायता है. घाव को पोटेशियम परमैंगनेट या किसी सोप सॉल्यूशन से धोएं. घाव को साफ और सूखे कपड़े से ढक दें. डॉक्टर की मदद लें. स्क्रैचेस ब्लीडिंग. आंसर: व्यक्ति को आराम से बैठाएं या लेटा दें. शरीर के खून बहने वाले हिस्से को पानी से साफ करें. इसे हार्ट लेवल से ऊपर रखें. बर्न्स स्कॉल्ड्स. आंसर: घाव को पानी से धोना चाहिए या पानी के नीचे रखना चाहिए. विक्टिम को पीने के लिए पानी दें. एक एंटीसेप्टिक घोल में भिगोए हुए कॉटन स्वाब का उपयोग करके घाव को साफ करें. ऑयली मलम न लगाएं. घाव को सूखे कपड़े से ढक दें. सीरियस बर्न्स. आंसर: इमोशनल सपोर्ट दें. घाव को स्टेरिलाइज्ड कपड़े से ढक दें. यदि संभव हो तो ज्वेलरी शूज आदि उतार दें. स्किन के ब्लिस्टर को न छुएं और न ही फोड़ें. ऑयली मलम न लगाएं. अगर कपड़े जले हुए स्किन पर चिपके हो तो कपड़े को हटाने की कोशिश न करें. अगर पीड़ित व्यक्ति होश में हो तो उसे पानी दे, लेकिन चाय कॉफी जैसे ड्रिंक्स ना दे. जल्दी से उसे अस्पताल में भर्ती कराइए. स्नेक बाइट. आंसर: घाव को पानी से धो लें. पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दें. घाव के ऊपर कसकर कपड़ा बांधें. तत्काल मेडिकल हेल्प ले. सनस्ट्रोक. आंसर: पेशेंट को ठंडी जगह या छाव में ले जाएं. पूरे शरीर को ठंडे पानी से स्पंज करें. ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा गर्दन पर रखें. पीने के लिए ढेर सारा पानी या लिक्विड पदार्थ जैसे शरबत दें. यदि पेशेंट को उल्टी जैसा महसूस हो तो उसे पेट के बल लेटा दे और उसके सिर को एक ओर कर लें. मेडिकल हेल्प ले या पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें. ट्राइट द कॉजेज ऑफ द फॉलोइंग. फ्लड्स. आंसर: फ्लड्स दुनिया के सभी हिस्सों में अक्सर होने वाली नेचुरल डिजास्टर है. एक ही स्थान पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण एक नदी अपने किनारों को ओवरफ्लो कर देती है, जिससे फ्लड्स आती है. भारी वर्षा होने पर बड़े शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था काफी नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप गटर्स और वाटर ड्रेनेज लाइन्स चोक हो जाती हैं. सड़कों और आसपास के घरों में पानी भर जाता है. फॉरेस्ट फायर्स. आंसर: फॉरेस्ट फायर एक अनियंत्रित फायर है जो पूरे जंगल, पास्चा या घास के मैदान में नेचुरली या मैनमेड कारणों से लगती है. बिजली, वोल्केनिक करप्शंस, अत्यधिक गर्म और ड्राई वेदर में पेड़ों की ब्रांचेस के बीच फ्रिक्शन, यह सभी फॉरेस्ट फायर के नेचुरल कारण है. फॉरेस्ट फायर के मैनमेड कारण जैसे कि भूमि को जलाकर साफ कर रहे हैं, जो कभी कभी नियंत्रण से बाहर हो जाता है. कैंपर्स और हाइकर्स कभी कभी एक जलती हुई सिगरेट या कैंप फायर पीछे छोड़ देते हैं, जिससे जंगल में आग लगती है. लैंडस्लाइड्स बिल्डिंग कलैप्स. आंसर: इरोजन स्लोप मूवमेंट जो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हो, लंबे समय तक बारिश और सीपेज होना, अर्थक्वेक के कारण वाइब्रेशन, डिफॉरेस्टेशन और रिवर इरोजन, ये सभी लैंडस्लाइड के कारण है. खराब डिजाइन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन फेलियर या वीक फाउंडेशन, असाधारण भार, अर्थक्वेक्स, बड़े पैमाने पर और अनियमित निर्माण, इन सभी कारणों से बिल्डिंग कलैप्स होती है. स्टॉर्म्स. आंसर: एटमॉस्फेयर के हाई और लो एयर प्रेशर बेल्ट्स के बनने से वेदर में चेंजेस होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेज हवाएं या तूफान आते हैं. अर्थक्वेक्स. आंसर: अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होने वाली हलचलों से
जबरदस्त मात्रा में एनर्जी निकलती है। इसकी वजह से साइस्मिक वेव्स पैदा होती है, जिससे अर्थ के सरफेस पर वाइब्रेशन, हिलना या टूटने जैसे गतिविधि होती है। अर्थ के क्रस्ट में इस तरह के वाइब्रेशन या क्वैकिंग को अर्थक्वेक कहते हैं। मैनमेड कारण जैसे माइनिंग, बड़े बांधों का निर्माण भी अर्थक्वेक्स का कारण बन सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिजास्टर का क्या अर्थ है? आंसर: डिजास्टर एक अचानक होने वाली घटना है जो किसी देश या जगह के लाइफ और प्रॉपर्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है, उसे डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर कितने प्रकार की होती हैं? आंसर: डिजास्टर दो प्रकार की होती हैं, नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? आंसर: डिजास्टर को रोकने के लिए कदम उठाना, डिजास्टर का सामना करने के लिए योजना बनाना और उसके लिए कैपेसिटी डेवलप करना, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के मुख्य घटक कौन से हैं? आंसर: इमरजेंसी प्लानिंग और उन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, यह डिजास्टर मैनेजमेंट के दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। एक सर्प मित्र के कार्य के बारे में पता करें। आंसर: एक सर्प मित्र सांपों का मित्र होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सांपों की रक्षा, बचाव और सुरक्षा के लिए ट्रेंड किया जाता है। जब भी पुलिस या नागरिकों की ओर से सर्प मित्रों को सांप देखे जाने की सूचना देने वाला फोन आता है, तो वे तुरंत उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उस सांप को बचा लेते हैं जो लोगों के हाथों मारा गया होता। सर्प मित्र को सांपों को पकड़कर उन्हें टोकरियों या थैलों में रखकर जंगल में छोड़ने से पहले उन्हें संभालने के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाता है। वे सांपों के रिहैबिलिटेशन के लिए पुलिस विभाग और वन विभाग के संपर्क में रहते हैं। सर्प मित्र को सर्पदंश पीड़ितों को अस्पतालों में ले जाने से पहले फर्स्ट एड उपचार करने के लिए भी ट्रेंड किया जाता है। इस प्रकार सर्प मित्र बिना किसी मौद्रिक लाभ के, लेकिन सांपों के प्रेम के लिए, सांपों को बचाने, मानव जीवन को बचाने का एक सराहनीय काम करते हैं। पता करें कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या है। आंसर: फर्स्ट एड बॉक्स हर घर, वर्कप्लेस, ट्रैवलिंग, स्कूल आदि में एक आवश्यकता है। इसमें एक कॉटन रोल, स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग, सिजर की एक पैर, डेटॉल या सेवलॉन, डेटॉल सोप, चिपकने वाला प्लास्टर, क्रोसिन जैसी गोलियां, पेनकिलर, टिंचर आयोडीन, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, कानों या आँखों के लिए ड्रॉप्स, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, क्रैम्प्स के लिए बर्नोल ऑइंटमेंट्स, यह सभी आवश्यक मेडिसिन्स शामिल हैं। नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर्स से निपटने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दें। फायर: फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें, फायर ब्रिगेड को कॉल करें, सेफ एग्जिट के लिए दौड़ें, बिल्डिंग का गिरना, बिल्डिंग को तुरंत खाली कर दें, अन्य सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लें, फायर ब्रिगेड या बचाव दल को बुलाइए, घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, सड़क दुर्घटना, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ, हो सके तो प्राथमिक उपचार दें। फ्लड्स: घरों या नदी किनारे के इलाकों में न रुकें, अन्य सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लें, अधिक ऊंचाई पर सुरक्षित स्थानों पर जाएं, पानी की धाराओं में कदम न रखें या उनमें वाहन न चलाएं। युद्ध: रिलीफ कैंप्स में शेल्टर लें, रेस्क्यू मिशन में सहायता प्रदान करें, बम विस्फोट, रिलीफ कैंप्स या सेफ जगह पर शेल्टर लें, तुरंत पुलिस को बुलाइए, अलर्ट रहें और अनअटेंडेड वस्तुओं को न छुएं, अर्थक्वेक्स, सुरक्षित स्थान पर दौड़ें, टेबल के नीचे छुप जाएं और लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, स्टेयरकेस का प्रयोग करें। डेल्यूज: मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चेतावनी और सिग्नल्स को सुनें, नदी किनारे और निचले इलाकों से दूर रहें, रिलीफ कैंप्स में जाकर रुकें, स्टॉर्म: सुरक्षित स्थान पर रहें, सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अनप्लग करें। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को दिए गए निर्देशों का पालन करें, जर्जर भवनों और पेड़ों के नीचे शेल्टर न लें। सुनामी: सुरक्षित स्थान पर जाएं, अलर्ट रहें। ड्रॉट: पानी बचाएं, पीपल और कैटल की देखभाल करें। लैंडस्लाइड: पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश या बादल फटने के कारण लैंडस्लाइड हो सकता है, किसी पहाड़ी की बॉटम में शेल्टर न लें।
फिल इन द ब्लैंक्स। 1993 में लातूर जिले के किल्लारी में अर्थक्वेक के कारण कई लोगों की मौत हुई थी। 26 जुलाई 2005 को मुंबई की याद से आज भी लोग कांप उठते हैं। नवंबर 2015 में तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण फ्लड आई थी, जिसे कई लोगों की मौत हो गई थी। अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होने वाली हलचलों से जबरदस्त मात्रा में एनर्जी निकलती है। अर्थ की सरफेस में वाइब्रेशन या क्वेकिंग को अर्थक्वेक के रूप में जाना जाता है। माइनिंग और बड़े बांधों के निर्माण जैसे मानव निर्मित कारण भी अर्थक्वेक का कारण बन सकते हैं। दुनिया के सभी हिस्सों में अक्सर होने वाली नेचुरल डिजास्टर फ्लड है। जंगल की आग जबरदस्त गति से फैलती है, पहाड़ी इलाकों में क्लाउडबर्स्ट से लैंडस्लाइड होता है। आग से बचाव के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें। आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। अर्थक्वेक्स के मैनमेड कारण क्या हैं? आंसर: माइनिंग और बड़े बांधों के निर्माण से अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। फॉरेस्ट फायर्स क्या हैं? आंसर: फॉरेस्ट फायर्स एक अनियंत्रित फायर है जो पूरे जंगल, पास्चा या घास के मैदान में नेचुरली या मैनमेड कारणों से लगती है। डिजास्टर के दौरान सरकार की सहायता लेने के लिए वेबसाइट का उल्लेख करें। आंसर: डिजास्टर के दौरान सरकार की मदद लेने के लिए हम www.imd.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। फ्लड्स के समय हमें कहाँ शेल्टर लेनी चाहिए? आंसर: फ्लड्स के समय हमें सुरक्षित स्थानों पर शेल्टर लेना चाहिए, विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थानों पर। सनस्ट्रोक क्या है? आंसर: जब हम लगातार लंबे समय तक धूप में काम करते हैं तो शरीर बहुत सारा पानी और मिनरल्स खो देता है, इसलिए व्यक्ति को सनस्ट्रोक का अनुभव होता है। कुछ जहरीले सांपों के नाम बताइए। आंसर: कुछ जहरीले सांप कोबरा, क्रैट्स, वाइपर और सी स्नेक्स हैं। सांप के सामने आने पर हमें क्या करना चाहिए? आंसर: जब हमें कोई सांप मिलता है तो हमें एक सर्प मित्र से संपर्क करना चाहिए। फर्स्ट एड क्या है? आंसर: डिजास्टर या एक्सीडेंट का सामना करने पर मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध होने से पहले ही दी जाने वाली तत्काल सहायता फर्स्ट एड है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अर्थक्वेक के प्रभाव क्या हैं? आंसर: इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश अर्थात बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक आदि का नुकसान होना, रिवर्स के फ्लो में डायरेक्शन का चेंज होना, लाइफ और प्रॉपर्टी का भारी नुकसान होना। फ्लड्स का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर: लाइफ और प्रॉपर्टी का भारी नुकसान होता है, सॉइल इरोजन होता है, खड़ी फसलों का विनाश होता है। फ्लड के प्रभाव के बाद डिजीजेस और महामारी फैलती है जिससे इंसानों की हेल्थ खराब हो जाती है। स्टॉर्म्स के प्रभाव क्या हैं? आंसर: स्टॉर्म के प्रभावित एरिया में भारी नुकसान होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का भारी नुकसान होता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। फॉरेस्ट फायर्स के प्रभाव क्या हैं? आंसर: नेचुरल वेल्थ और बायोडायवर्सिटी को भारी नुकसान होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। हमें आग से बचने के लिए कौन से निवारक उपाय करने चाहिए? आंसर: आग से बचाव के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेसेस पर फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग करें। यदि किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसे क्या फर्स्ट एड दिया जा सकता है? आंसर: अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही हो तो सबसे पहले उसे आराम से बैठाएं या लेटा दें। शरीर के खून बहने वाले हिस्से को पानी से साफ करें, इसे हार्ट लेवल से ऊपर रखें। गिव साइंटिफिक रीजंस। कुत्ते के काटने वाले विक्टिम को एंटी रेबीज का इंजेक्शन क्यों लगवाना चाहिए? आंसर: कुत्ते के काटने पर खून के जरिए रेबीज का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इसलिए विक्टिम को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए। डिजास्टर के समय यदि संभव हो तो हमें रिलीफ कैंप्स में शेल्टर लेनी चाहिए। आंसर: रिलीफ कैंप्स में दवाइयां, खाने के पैकेट, पीने का पानी और प्राथमिक उपचार दिया जाता है। चूंकि ये चीजें विक्टिम्स को फिर से शुरू करने में मदद करती हैं, इसलिए लोगों को डिजास्टर के दौरान रिलीफ कैंप्स में शेल्टर लेनी चाहिए। डिजास्टर के समय बैटरी से चलने वाले रेडियो और मोबाइल का प्रयोग करें। आंसर: डिजास्टर के समय कई बार इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती है,
इसलिए बैटरी से चलने वाले मोबाइल और रेडियो सुविधाजनक होते हैं। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।